अब साथ में कोई रहने वाले काम करने वाले लोग अगर कोई अपने को धर्मपत्नी बना दे तो लड़ाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा वो उस दिन हमने भी सुना कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है सुखदेव सिंह के पास, हमें तो 10% दे दे चला रहे थे, हमारी आत्मा जान रही है 200 करोड़ उसमें एक व्यक्ति के पास होता तो ये समाज आज एक जगह होता, और मेरी की आवाज भी इतना दम था और उनकी कामों में इतनी ताकत थी। बाकी लोग अपवाद बहुत है, कोई समय उनके होते तो शायद आप इस तरीके से टीवी पे उनकी इज्जत नहीं उतारते। पत्नी उनकी है जो अभी घर पे है, कभी कुछ बोलती नहीं, कभी भी किसी ने कुछ देखा नहीं, और अभी व्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति खुल के बोले जिनको जहाँ बोलना बोले। हमारी भाभी श्री जहाँ एक तरफ लोगों के अंदर एक गुस्सा है ये जिस तरह से उनकी हत्या की गई गोली मारकर, लेकिन वही दूसरी तरफ इस सब चीजों को दूसरी तरफ ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है। जिस तरह से जयपुर से सपना सोनी जी का कहना है कि वो उनकी तीसरी पत्नी है और उनकी 3 पत्नियां हैं, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि क्या तीनों में हिस्से बटेंगे, हिस्सों की लड़ाई चल रही है, क्या इस सब चीजों की बात यहाँ चल रही है कि हाँ हिस्से पैसे क्या प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सब चीजें मतलब ऐसी कोई चर्चाएं हैं क्या है ये सब को बता देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में हिंदू संस्कृति में एक बीवी होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बीवी है जिनके बच्चे जो बच्ची का जिसका आज हमने पाक बना करके उसको उसका दायित्व दिया। अब साथ में कोई रहने वाले काम करने वाले लोग अगर कोई अपने को धर्मपत्नी बना दे, बहुत से लोग ऐसे भद्रभूषण जी के केस में भी आप देख लो दिल्ली जाके बोले मेरे साथ ऐसा किया, तो ऐसे लोगों का तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये समय वो नहीं है। बाकी सारी अवैध बेफिजूली बातें हैं, बनाई हुई रंग कहानियां हैं, और अगर कोई कहते हैं कि साथ रहने वाला कोई व्यक्ति, जैसे खाने बनाने वाले लोग भी होते हैं हमारे यहाँ, झाड़ू पोछे करने वाले भी होते हैं, और भी तरह के लोग होते हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं। हमारा तो एक जो कार्यालय था वहाँ रेस्ट रूम भी था, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान का प्रदेश जिसके साथ साथ राष्ट्र का दायित्व भी है, पर जब भी मैं जयपुर आता तो वहीं रुकता हूँ, उसी कार्यालय में रुकता हूँ, हमें रूम मिल रहा हुआ है, हमारे घर में वहाँ रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ रहते हैं। अब और कोई रहता है तो परिवार के लोग वहाँ, हम तो संगठन के बहुत से लोग रहते हैं, हम किसके लिए इसके लिए कोई हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा वो उस दिन हमने भी सुना कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है सुखदेव सिंह के पास, हमें तो 10% दे दे बाकी की 90% वो रख ले, पर वो आके साबित कर ले कि हमारे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 200 करोड़ रुपए के हमारे पास है। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व खोया पूरे भारत में चप्पे चप्पे पे वो व्यक्ति गया और अपने पैसों से गया, मैं उनका सारथी हूँ, मैं उनका सारथी हूँ, दिन रात मैं उनके साथ रहता था, जहाँ पे भी बाहर जितने भी प्रदेश है सारे प्रदेश अध्यक्ष आप बाइट ले लीजिए, पूरे मीडिया के माध्यम से पता लगा लीजिए, हर प्रदेश में मैं गया हूँ उनके साथ। हम लोग तो कैसे हम संगठन चला रहे थे, हमारी आत्मा जान रही है 200 करोड़ रुपये एक व्यक्ति के पास होता तो ये समाज आज एक जगह होता, और हमारे ये भी जो 20-12-13 जो विधायक बने, 50 विधायक बनते हैं, सुखदेव सिंह को मेरी की आवाज़ भी इतना दम था, उनकी कामों में इतनी ताकत थी। बाकी लोग अपवाद बहुत हैं, कोई कुछ भी कहे, विरोध सब जगह होता है, जिनकी मर्जी हो जो करे उनकी आज़ादी है, वो टीवी पर आके बोल रहे हम सुन रहे हैं ना, कोई आके अभी कल मैंने एक एप्लीकेशन दी है वहाँ पे, तो हमारे प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो सकता है, हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी, भला भला व्यक्ति से हमें तकलीफ है, हमारा सामाजिक प्रोग्राम है, संगठन का प्रोग्राम है, हमें सही प्रोग्राम करने दिया जाए, अगर फिर भी कोई व्यक्ति अगर उपद्रव करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि जनता के हाथ पैर हम नहीं रोक सकते। तो हम तो जो भी व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो उनसे भी निवेदन था, अगर आप सच में उनके होते तो शायद आप इस तरीके से टीवी पे उनकी इज्जत नहीं उतारते। अगर इज्जतदार व्यक्ति होता तो इज्जत की बात करता, इज्जतदार पत्नी उनकी है जो अभी घर पे है, कभी कुछ बोलती नहीं, कभी भी किसी ने कुछ देखा नहीं, बाकी जो जिनके जो मन में है वो बोलते तो उसके लिए हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है, और अभी व्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्ति खुल के बोले जिनको जहाँ बोलना बोले। हमारी भाभी श्री शीला सुखदेव सिंह गोगा मेरी है, उनके 2 पुत्रियाँ हैं और उसी शेखावत, एक उनकी छोटी बच्ची है जो और उसी शेखावत मेरे साथ भी है, अब देख लीजिए वही हमारी भाभी है, वही हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानेंट के लिए सुखदेव सिंह जी को कमेटी है वो रहेंगे।